जब से अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम को हैक करने की बात कही या ईवीएम के हैक हो जाने की बात कही, तब से पूरे विपक्ष के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई। कल मैंने आपको पाठशाला में विस्तार से बताया था कि ईवीएम को हैक करना असंभव है भारत, क्योंकि भारत का ईवीएम जो दूसरे जगह ईवीएम यूज होते हैं उससे अलग है। इसमें इंटरनेट नहीं, ब्लूटूथ नहीं, एक चिप लगता है, वो चिप एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है, उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, मतलब अलग ही सिस्टम है बॉस। ईवीएम से चुनाव करवाना पूरी तरह सुरक्षित है। एलन मस्क शायद भूल गए कि जब भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते थे तो किस तरह की खतरे और परेशानियों के बीच चुनाव कराए जाते थे। उस दौर में बैलेट पेपर वाली मतदान पेटी लूट ली जाती थी, बैलेट पेपर में आग लगा दी जाती थी। बिहार और यूपी में चुनाव करवाना किसी युद्ध से कम नहीं होता था। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि 1989 के आम चुनाव में ऐसा भी समय आया जब अमेठी में कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, कांग्रेस पे लगे अमेठी में फर्जी वोटिंग करवाने के, और चुनाव आयोग को कई पोलिंग स्टेशन पर दोबारा चुनाव करवाना पड़ा था। तो जो लोग आज बैलेट पेपर की बात करते हैं, ईवीएम को गाली देते हैं, उनका इतिहास क्या है आज आपको मैं बताता हूं। इसके अलावा 80 के दशक में जिस तरह जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगे, इसका इतिहास भी आपको बताऊंगा। लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में किस तरह चुनाव हुआ करते थे, बहुत सारे युवा नहीं जानते होंगे, हम लोग तो देखे हैं बिहार में, उसकी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन आज उस चुनाव आयुक्त के बारे में भी बताऊंगा जिसे लालू प्रसाद यादव के राज में चुनाव करवाने के लिए कमांडोज भेजने पड़े थे। आज जो लोग ईवीएम के हैक होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव वाले दौर में लूट और हिंसा का काला इतिहास भी देखना चाहिए कि बैलेट पेपर से होता था क्या, देखिएगा तो दिमाग में फ्यूज उड़ जाएगा। वैसे तो बैलेट पेपर से चुनावों में धांधली का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज उस चुनाव के बारे में बात करना जरूरी है जब देश एक सिटिंग प्रधानमंत्री की सीट पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप झेल रहा था और इसकी वजह से कई पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा। यह 1989 का लोकसभा चुनाव था जहां अमेठी से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिंपथी की लहर में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। 1989 में अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में यह चुनाव असली गांधी और अपना गांधी के बीच बन गया था। लोग इस दुविधा में थे कि उन्हें असली गांधी यानी राजमोहन गांधी या अपना गांधी यानी राजीव गांधी, दोनों में से किसको चुनना है। हालांकि यह माना जाता कि यह चुनावी लड़ाई बराबरी की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत के अंतर के कम होने की चिंता हो रही थी। इस चुनाव में राजमोहन गांधी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि पुलिस के लोग चुनाव में राजीव गांधी की मदद कर रहे थे। इसके अलावा राजीव गांधी के करीबी कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा पर बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमेठी में हुई चुनावी हिंसा की वजह से चुनाव आयोग को 18% वोटों को अवैध घोषित करना पड़ा था और 97 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश देना पड़ा। उस सीट पर जहां राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे वहां आरोप लग रहा था कि बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। बड़ी संख्या में रीएलेक्शन हुआ वहां पर कई बूथों पर। यह है उस जमाने की पोलिंग और उस जमाने का चुनाव। जो लोग आज ईवीएम को गाली देते हैं वो याद करें, जिनको नहीं पता है वो देखें। 1984 की तुलना में 1989 में राजीव गांधी की जीत का अंतर 43,000 वोट से ज्यादा था। बस आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेठी में चुनावों में हुई इस धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने यह कहा था कि अमेठी में जो कुछ हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। इसके बाद मीडिया में भी कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगने लगे। उस समय कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा का यह बयान सुनिए जिसमें वो अमेठी में हुई बूथ कैप्चरिंग के आरोप के बारे में क्या कह रहे हैं। इसके बाद कश्मीर में चुनाव में धांधली की बातें जो हुई थी, जो आरोप लगे थे, उसका इतिहास भी आपको याद दिलाऊंगा। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस आईने भी बूथ कैप्चर किए हैं और मासूम वोटर्स को अपने हक से वंचित किया है? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं हमारे भी लोगों से कुछ गलतियां हुई हों। अमेठी के बारे में जो कहा गया वो राजनीतिक से प्रेरित है, सरासर गलत है। लेकिन अनिल शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि 97 बूथ पर रीपोल हो तो क्यों? हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले को माना जरूर, किन कारणों से उन्होंने फैसला लिया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर आज तक कोई सबूत नहीं है कि कोई रिगिंग हुई। 1989 से पहले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस राज में बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगे थे।
1987 में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जमकर धांधली के आरोप लगे। दरअसल 1986 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच चुनाव में समझौता हो गया। इस फैसले से पूरे कश्मीर में गुस्सा भड़क गया। इसके बाद 1987 में हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पर चुनाव धांधली के आरोप लगे। इन चुनावों में धांधली को लेकर मशहूर लेखक सुमंत्र बोस ने अपनी किताब कश्मीर रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पाथ टू पीस में लिखा कि जैसे ही चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवारों की बढ़त दिखाई दी, वैसे ही सरकारी अधिकारियों ने वोटों की गिनती रोक दी। उस समय पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल गनी लोन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि हंदवाड़ा के एक काउंटिंग स्टेशन से रातों रात बैलेट बॉक्स यानी मतपेटियां हटा दी गईं और उनके 100 मतगणना एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन चुनावों में धांधली को लेकर कश्मीरी नेता सज्जाद लोन ने यह तक कह दिया कि चुनावों में धांधली की वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की। ये है बिना ईवीएम के चुनावों का इतिहास। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं ना, उनको देखिए समझिए उनका इतिहास क्या है। चुनावों में धांधली के लिए बिहार में लालू प्रसाद यादव का दौर पूरे देश को याद है। 1990 के दौर में देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उस दौर में बिहार में चुनाव करवाना बहुत बड़ा काम माना जाता था, चैलेंज होता था, क्योंकि बिहार के हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से लेकर बैलेट पेपर लूट और मारपीट हिंसा की खबरें आती थी। लालू यादव के दौर में बिहार में किस तरह चुनाव हुआ करता था उसका एक किस्सा सुनाता हूं। बिहार चुनाव में धांधली के बारे में लेखक मृत्युंजय शर्मा ने अपनी किताब ब्रोकन प्रोमिसेस कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार में इसका जिक्र किया है। इसके मुताबिक 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए बिहार में किसी भी सूरत में पारदर्शी तरीके से चुनाव करवा के दम लूंगा। इसके लिए TN सेशन ने पंजाब से कमांडो हायर किए और बिहार के उन पोलिंग बूथ पर तैनात किए जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम थे। TN सेशन ने इस फैसले से लालू यादव इतने नाराज हुए उनके फैसले से कि TN सेशन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे और पागल साण नाम रख दिया TN सेशन, पागल साण। तो जो आज का यूथ नहीं जानता है ना भाई, एक तो ईवीएम के लिए हैकथॉन हो जाए लेकिन कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन देखिए बैलेट पेपर से क्या क्या हो चुका है। TN सेशन पर लालू यादव के गुस्से के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। बिहार के एक लेखक संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लालू प्रसाद यादव के गुस्से के बारे में लिखते हैं कि 1995 के चुनावों के दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी RGM पिल्लई थे। लालू यादव ने पिल्लई को फोन लगाया, गुस्सा करते हुए ये कहा कि हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हैं और तुम हमारा अफसर, ई शेषनवा कहां से बीच में टपकता रहता है। ये वो दौर था जब बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा में लोगों की मौत हो जाया करती थी। आज आपको बिहार में चुनावों के दौरान मौत के कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूं। चुनावी हिंसा से बिहार में जब मौत हुई 1984 में, अगर आप लोकसभा चुनाव देखेगा 24 मौत, 85 में 63 मौत, 89 में 40 मौत, 90 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 87 मौत हुई थी। 1990 के इसी चुनाव में जीत के बाद ही लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आज के दौर में देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं जिसमें धांधली के मामले खत्म हो गए हैं, लेकिन एजेंडा चलाने वाले अब भी ईवीएम को हैक करने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यह हिस्ट्री आपको इसलिए याद दिलाई ताकि आप आज का जो वर्तमान है उसमें क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं, इसको समझ सकें। क्योंकि जो इतिहास से सबक नहीं लेता ना, उसका भविष्य खराब होता है।